दारू कैसे बिहार में बंद होगा? खुद स्टाफ जो है कालाबाजारी करता है, दारू छापता है और बेचता है। मुजफ्फरपुर में होमगार्ड के जवानों ने आज डीएम को आवेदन देकर उत्पात अधीक्षक के खिलाफ शिकायत की है। होमगार्ड जवानों का आरोप है कि उत्पात अधीक्षक द्वारा आबकारी थाने से पकड़े गए शराब को जवानों से बेचवाते हैं, साथ ही साथ होमगार्ड के जवानों को प्रताड़ित व गाली गलौज करते हैं। वहीं ड्यूटी में तैनात 19 होमगार्ड के जवानों को उत्पात अधीक्षक ने विमरीत कर दिया है। गौरतलब है कि जिले में 78 होमगार्ड जवान अलग अलग सरकारी कार्यालयों में ड्यूटी पे तैनात हैं। इनमें 19 जवान आबकारी विभाग में तैनात थे। होमगार्ड जवान राजेश कुमार ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक ड्यूटी पर तैनात जवानों के साथ बदसुलूकी करते हैं। जवानों के साथ रोजाना गाली गलौज किया जाता है, महिला जवानों को प्रताड़ित किया जाता है। झूठा इल्जाम लगाकर 19 होमगार्ड जवानों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। हम लोगों ने डीएम को आवेदन देकर पूरी मामले की जांच कर इंसाफ की मांग की है। इस दौरान होमगार्ड के जवानों में उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ आक्रोश था। आक्रोशित जवानों ने उत्पाद अधीक्षक पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। जवानों का कहना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, इसके अलावा ड्यूटी भी अधिक ली जाती है। होमगार्ड के जवान पूरे ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हैं, जहां भी छापेमारी होती है वहां जाते हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है। 10 बजे ड्यूटी पहुंचे तो सुपरिटेंडेंट वहां पहुंचे और इंस्पेक्टर सर बैठे हुए थे, एक वकील वहां पहुंचे। वो बोले कि 48 घंटा थाना में कैसे रख सकते हैं कैदी, तो हम उनको बोले कि यहाँ वकील को आना अलाउ नहीं है और कैदी को ना मेडिकल हुआ है ना कोरोना जाँच हुआ है, इसलिए कैदी नहीं गया। तो वो हमसे बहस करने लगे, बहस करते करते वो सिपाही बोला कि जाइए ना इंस्पेक्टर सर, सुपरिटेंडेंट सर बैठे हैं, मिल लीजिएगा। अब वो गए तो उनको झंझट हो गया। वही झंझट होने के कारण बोले कि सिपाही के संतरी में कौन था, तो सिपाही गया बोले मेरा सर था। इसके पीछे रीजन क्या था? दारू लेकर इसके पीछे रीजन यही था कि वकील हमारे सामने कैसे आया। क्या वकील का आना आपको मारपीट हुई है? हाँ, झगड़ा झट्टी हुआ, बहुत हुआ है। इंस्पेक्टर सर बोले कि आप यहाँ थाना में कैसे रुके हुए हैं? हम बोले कि ये थाना किसी का निजी नहीं, ठीक है, आप भी यहाँ से जा सकते हैं, बदली होगी और हम भी जा सकते हैं, इसलिए आपको भगाने का यहाँ कोई राइट नहीं। किसने किया? यही नहीं, इंस्पेक्टर सर किए, सुपरिटेंडेंट सर किए। क्या नाम उनको? संजय नारायण गिल से। नहीं, पहले वही बोल रहे थे और लोग चुपचाप खड़े हो गए। एफआईआर कर देंगे तुम लोग को, नहीं तो तुम लोग जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, नहीं तो केस कर देंगे, इन चीज में फंसा देंगे, उस चीज में फंसा देंगे। उससे पैसा लेते हैं, आधा लीटर एक लीटर में जेल पहुंचाते हैं, गरीब को खून के आंसू बहाते हैं, हम लोग को किस सजा में जेल भेजते हैं? आप लोग क्या मांग रहे हैं? आप लोग हम लोग को यही मांग है कि अच्छा से नौकरी मिले और अच्छा से ये अधिकारी माँ बाप मिले। बिना माँ बाप के कहीं भी कुछ नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, जहाँ जाते हैं वहाँ लोग बोलता है। आपका भी बयान लेंगे, आपकी क्या मांग है वो बताइए। मेरी मांग यही है कि वो तो जो बोले हम सुने, हम बोले वो सुने। अब हम लोग का यही है कि जहाँ कहीं भी अपना ड्यूटी मिलेगा चले जाएंगे, पर उस थाने में हम नहीं जाएंगे। उसमें बहुत गलती होता है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। क्या गलती होता है वो? वहाँ बहुत गलती होता है। वहाँ सबसे पहला बात है कि गरीब पकड़ाता है, गरीब पकड़ाने के बाद उसको लोग पैसा का डीलू लोग करता है या थोक देता है हम लोग के माथ पे। ये सब होमगार्ड डील करता है, होमगार्ड डील करता है, करता है उनका पूरा एक साइड का सिपाही। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग गेट से बाहर भी करने के बाद भी हम लोग बोली सुनते हैं, ये अंदर कैसे आया? तो अंदर आपका सिपाही बुलाया ना, उससे पूछिए कि एक साइड का सिपाही बुलाया, उससे पूछिए कि क्यों अंदर हो। हम लोग जेंट्स की तरह रात रात भर दिन दिन भर ड्यूटी करते हैं। अपना परिचय दीजिए। बिंदु कुमारी मेरा नाम हुआ। वहाँ हुआ जेंट्स सिपाही के साथ पहले झंझट हुआ कि बुलाइए संतरी में कौन था, 8 से 10 सिपाही। तो गए हम लोग बुला के ले गए, 10 बजे से हम लोग का रहता है 4 महिला का संतरी ड्यूटी, और जब हम लोग पहुँचते हैं तो जेंट्स हट जाता है, हम लोग ड्यूटी पकड़ लेते हैं। तो 10 से 8 हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो वहीं में बोले कि 8 से 10 जेंट्स में किसका ड्यूटी था, तो उसको हम लोग बुला दिए।
वो जेंस आया तो बोला कि तुम संतरी ड्यूटी राइफल लेके काहे नहीं किया, तो कोई संतरी ड्यूटी राइफल लेके 2 ही घंटा करेगा, खूब करेगा तो 3 घंटा करेगा, 24 घंटा आप खोजिएगा तो राइफल ड्यूटी लेके कौन करेगा। उस सिपाही कुछ नहीं बोला, चुपचाप मुड़ी नीचे गला, अम्मा अधर चोद, हाजर चोद, बहन चोद, खूब गरिया सुपरिटेंडेंट सर आए, भतपेलुआ है सब, भात करके सूतने आया है, माधव चोद क्या समझता है, ई वो इतना ना गाली बके कि पूरा सिपाही टूट पड़ा उनके ऊपर। कि आप गाली बकने वाले कौन होते हैं, जो गाली बकना हमको बकी, हमारे मातारी बहन को गाली बकने वाले कौन होते हैं सर? सुपरिटेंडेंट सर पढ़ रहे थे, संजय राय खूब गाली बक रहे थे, पूरा होम गार्ड को हमको बोले आपके लिए तो सर तकिया लगा दे, हम बोले हमारे लिए तो सर तकिया क्यों लगा दीजिएगा, जो मेरा ड्यूटी हो हम ड्यूटी कर रहे हैं तो सर तकिया आप कहे लगाइएगा, तो बोले बहुत टेर बोलता है ये सब, हम कि आप टेर हमारे यहाँ मत बोलिएगा, आपको ड्यूटी से मतलब। चार महिला थे हम लोग चारों रिटर्न आ गए। आरोप लगा रहे हैं कि आपके दारू पीता है, हाँ तो वो लोग तो पार्सल होबे करता है, वो लोग को पार्सल होता है, गरीबों मर रहे हैं उस थाने में, जितने गरीब हैं मर रहे हैं, एक दिन में 50 गो कैदी उठा के ले आएंगे, उसके बाद पूरा होम गार्ड को मुआएंगे, मेडिकल जाइए, कांटी जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, तो पकड़े जाइए, हाँ पकड़िए, करवे करते हैं उत्पाद में, होबे करता है यही बात, वहाँ हम लोग बोल देते हैं तो बस हम लोग पे लोग टूट पड़ जाता है, हाँ बिकावे करता है। डर नहीं लग रहा है? नहीं हमको डर नहीं लगता है, होने दीजिए, क्या दिक्कत, जाएंगे जाएंगे हम भी जेल जाएंगे, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हम भी चले जाएंगे, जब हम ऐसा करवे ही नहीं करेंगे, हम ही लोग को पूरा आरोप टूट पड़ेगा। नहीं हमारे साथ कोई घटना नहीं घटा है, वो जो गाली दिए है वही हमको बहुत दुख हुआ है, नहीं तो जैसे जैसे बोलते थे हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते थे, हम लोग को ड्यूटी से कोई इतराज नहीं, आप कहीं भी ड्यूटी भेजिए कराइए, हमको ड्यूटी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा अपना इज्जत बेच के ड्यूटी करने नहीं आई। क्या महिला को रात में ड्यूटी करने? हाँ तो क्या, रात भर रेड में घूमते हैं, सुबह 10 बजे चढ़िए तो एतवार शुक्र को चढ़िएगा तो एक बार शनिचर को 10 बजे दिन में उतरिएगा। जब हम लोग रेड में जाते हैं तो चुलाई पकड़ाता है, वो पीने वाला भी पकड़ाता है, तो पीने वाला को जेल पकड़ कर रख लिया जाता है, बेचने वाला को जो है 40,000, 50,000, 20,000 रुपया लेकर के रास्ते में छोड़ दिया जाता है, और 10 कार्टून 20 कार्टून दारू पकड़ाता है तो यहाँ रखता है लोग अपने स्टाफ से जो चोरी करके रात में बेचवाता है। दारू कैसे बिहार में बंद होगा? खुद स्टाफ जो है कालाबाजारी करता है, दारू छापता है और बेचता है, वो क्या बंद होगा बिहार में? दारू जितने जो है सब डकैत है, वहाँ डकैती करता है, बड़े बड़े माफिया से 10 लाख 5 लाख रुपया लेकर के और उसको तरक सीधे तरक सेलिंग होता है। आप जो आरोप लगा रहे हैं दारू को लेकर, आप पर कार्रवाई भी कर देगा बड़े पदाधिकारी? कर देगा, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है, हम लोग सच्चा आदमी है, सच्चा बात तो बोलवे करेंगे। क्या परिचय हुआ अपना? मेरा नाम शिवजी सैनी है, जो मैं रेड करके सवेरे में आया हूँ और मेरा जो सबको गरियाया है और हम लोग का नाम उसमें चुन चुन कर डाल दिया है कि हम लोग पर रिपोर्ट लगाया है कि लोग गाली गलत कर रहा है, गाली जब आता है, जब आता है तब गाली पड़ता है कि क्या तुमको टोटल तक क्या लगा दे, बार बार खूब महिला से को भी गाड़ी जाती है, जेंट्स को भी गाड़ी पड़ता है, बहुत बुरी समस्या, बहन मेतारी को गाड़ी पड़ता है, कितना बर्दाश्त करेंगे हम लोग? पहले भी कभी बातावती हुआ है आप लोगों का? हाँ, कई बार हुआ है, पहले भी हुआ है, पूरे होम गार्ड शब्द माने किए थे जी? नहीं लिखित, अभी शिकायत उकायत किए हैं आप लोग लिखित में? रखे हुए हैं, रखे हुए हैं, अब अभी आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं अभी गेट पर? जी नहीं, हम लोग आए मिलने, हम लोग तो डीएम साहब का फोर्स है, हम लोग साथ गलती हुआ है तो हम लोग तो कुछ कहबे करेंगे, डीएम साहब से मिलने आए हैं, देंगे डीएम साहब से मिलने आए हैं। हाँ, डीएम साहब से मिलने हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग उत्पाद थाना में हैं, वहाँ का सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर दरोगा जो उसका कार्यरत है, वो सब लोग क्या करता है, दारू पकड़ के रास्ता में बेच देता है और इल्ज़ाम हम लोग पर लगाता है, हम लोग कोई घर रहने का जगह नहीं है, रात में माने जैसे तैसे हम लोग रहते हैं, पानी गिरते रात नहीं गिरता है, गिरता है, उसके बाद में ये काल हम लोग को बुलाए और गाली गलौज तुम ताम सब कह कर हम लोग को सुपरिटेंडेंट है।
संजय राय। मेरा नाम, मेरा नाम दिनेश्वर गिरी। एक संतरी दस्तखत छूट गया था, उसके लिए बुला गाली देते हैं। गाली देते हैं, दारू बेचते हैं, उन्होंने सबसे वहाँ के अधिकारी से पकड़वाते हैं और यहाँ थाना पर ले आकर बेचता है। पकड़ा हुआ था, आप लोग को गाली देते हैं? हम लोग को गाली देते हैं। आज क्या हुआ है? आज हुआ है कि जो हम लोगों को कहे हैं कि जो हम आप लोग को यहाँ से नहीं रखेंगे, हटा दिए। जिला अधिकारी से मिल रहे हैं? हाँ, जिला अधिकारी से मिल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश्वर गिरी। सब उन्नीस आदमी को तो लिखित हटाए हैं और बोले हैं कि जो जिसको जाना है वो सब यहाँ से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश्वर गिरी, गिरी रक्षा वाणी। किन को हटाए नाम बताइए।